हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अर्चना महादेव भक्ति चैनल में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जो अभी फटाफट मेरे पास डिमांड आई है कि भैया छोले बना के रखो और मैं समोसे लेके आता हूँ। आज यहाँ बारिश लखनऊ में बहुत तेज़ हुई है, तो कुछ चटपटा खाने का मन किया मेरे हस्बैंड का। तो अभी अभी फ़ोन आया कि भैया छोले तुरंत तैयार करके रखो और मैं समोसे लेके आता हूँ और गर्मा गर्म खाएँगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, मैंने मटर तो पहले से ही रखा ही नहीं था भिगो के, तो अब मैं क्या करूँ? तो चलो मैं बताती हूँ कि बिना भिगोए हम छोला कैसे बनाते हैं। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि समोसे से खाने वाला छोला जो कि कैसे बनता है, बहुत ही टेस्टी बनारसी स्टाइल में। तो मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगी कि वो कैसे बनता है और बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड्स खाने में। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा और फिर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। ये है हमारा मटर जो कि भिगोया हुआ नहीं है, तो चलिए इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, हमने दो तीन पानी से इसे धुल लिया है और इसमें हमने रख दिया है ताकि इसका पानी और जो निकल जाए। वॉश तो हमने बहुत अच्छे से किया है और इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ये निकल जाए। अब सारे मटर हम कुकर में डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 2.5 गिलास पानी। ये फूला हुआ नहीं है इसलिए हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि ये मटर अच्छे से पक जाए। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, स्वादानुसार जितना आपको कम ज़्यादा पसंद हो, चाहे तो आप अभी डालें और या आप बाद में भी डाल सकते हैं मटर में नमक, ठीक है। डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिला देंगे। और अब इसको हम रख देते हैं गैस पे। फ्रेंड्स, इसको कम से कम आप 6 सीटी आने दें, 6 सीटी में ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए हम गैस ऑन करते हैं और इसको रख देते हैं पकने के लिए। जब तक हमारा मटर हो रहा है तब तक हम आइए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने मिर्चा कट कर लिया है 1, और थोड़े से हमने कट किए हैं प्याज। छोटे छोटे साइज हम कट करेंगे थोड़े से प्याज। और चलिए, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया हुआ है, हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे प्याज और मिर्च। इसको अच्छे से हम गोल्डन होने तक भून लेंगे। डालेंगे धनिया पत्ता, लाल मिर्च पाउडर। जैसे कि मटर में हमने हल्दी डाला है इसलिए इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला जो कि हम पानी में इसको घोल के डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे अब हम चाट मसाला। तो ये लीजिए, मसाला भून चुका है। अब आइए हम अपना देख लेते हैं मटर। ये देखिए, हमारा मटर जो है पक चुका है। तो चलिए इसको हम मसाले में मिक्स करते हैं और बनाते हैं चटपटा छोला। सारे मटर को इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, बनारसी छोला चटपटा बनके तैयार है। तो देखिए, थोड़े से इसमें उबाल आ गए हैं। तो अब हम करते हैं गैस को ऑफ और इसमें डालते हैं थोड़ा धनिया की पत्ती ताकि इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आपको छोला कैसा लगा। तो इसी तरह से आप लोग बना के इसको ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। गैस को करते हैं ऑफ और हम इसको समोसे के साथ करते हैं टेस्ट।